Hi friends, I am Jawaz Iqbal, teacher, posted government high school, Barton. आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ. आज हम 10th क्लास की साइंस का पहला यूनिट बायोलॉजी सेक्शन से लेंगे. हम जानते हैं बायोलॉजी में 6 यूनिट्स हैं और पहला जो हमारा यूनिट है दैट इज अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस. और इसमें जो पहला टॉपिक है वो न्यूट्रिशन का है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अभी न्यूट्रिशन ये गिजा ये खुराक जो है ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए जरूरी. हम सब जानते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म है जब तक इनको ये फूड न मिले इनको एनर्जी मिल ही नहीं सकती. और ये फूड जब एनर्जी इनको देती है तो उसके बाद ये डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं. जो भी कोई काम इनको करना है वो तभी पॉसिबल है जब इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो. इट मीन्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. अभी न्यूट्रिशन क्या है इसको हम डिफाइन करेंगे. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इस फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और उसके बाद ये यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिज्म इस फूड को टू परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये मोड क्या होता है इसको समझना बड़ा जरूरी है. मोड मीन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म और बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. किस मेथड से ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं फूड को लेते हैं उसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हम जानते हैं हमारे पास प्लांट्स हैं उनका एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. हमारे पास एनिमल्स हैं उनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. हमारे पास पैरासाइट हैं उनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. इन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये खाना अलग अलग ऑर्गेनिज्म लेते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फूड जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे आर क्लासिफाइड इन टू द टू मेजर ग्रुप्स. दे आर ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ. और इनकी न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हम पहली टाइप यानी कि फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पे हम जाएंगे तो बड़े ही सिंपल वर्ड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो का मतलब है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब हुआ न्यूट्रिशन यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं. और वो बनाते किससे हैं जो उनके सराउंडिंग में अवेलेबल जो भी रॉ मटेरियल यानी कि जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होगा उससे जब वो खाना बनाएंगे उस न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब इसको हम थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. इट इज डिफाइंड एज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन और इट इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड utilizing only the inorganic material present in the surrounding. Such organism which can prepare their own organic food from the inorganic material are called autotrophs. यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. जितने भी प्लांट्स हमारे पास हैं इन सबको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरो का मतलब होता है अदर अगेन ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हैं बल्कि ये बना हुआ खाना जो है उसको इस्तेमाल करते हैं इसको यूटिलाइज करते हैं. तो डेफिनेशन पे जब हम जाएंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की इट इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर ऑर्गेनिक सोर्सेज. यानी कि जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर. अब इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की आगे आगे डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. सो जनरली वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ
heterotrophic nutrition. Number one is saprophytic nutrition. Number second is parasitic nutrition. And the third is holozoic nutrition. So we'll take the first one, that is what is saprophytic nutrition. Ye wo type hai heterotrophic nutrition ki, jisme organism jo hai, wo apna khana dead in decaying organic matter se lete hai. Dead in decaying ka matlab kya hai, jo rotten organic matter hoga, unko utilize karke jo ye khana banate hai, unko kaha jata hai saprotroph, aur unki nutrition ko kaha jata hai saprophytic nutrition. हमारे पास एग्जांपल जो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में अगर हम डिस्कस करें तो फंजाई हमारे पास है जिसमें हम यीस्ट मशरूम हमने देखे हुए हैं और बैक्टीरिया है.